हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल एंटरटेनमेंट न्यूज। दोस्तों, सामने आया महक का घिनौना चेहरा, पर अभी भी महक का मकसद पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी महक का मकसद अधूरा है, क्योंकि महक की जिंदगी में अब एक नया घिनौना मकसद आ चुका है। क्या है महक का नया मकसद, हम आपको बताएंगे टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, महक एक ऐसी नागिन है जो किसी को भी डस ले, और उसने इस बार तो अपनी ही बहन को डस लिया। प्रथा की जिंदगी को तबाह कर दिया, उसको तोड़ दिया। पर अब महक का अगला मकसद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हाँ, हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि महक की होगी ताजपोशी, महक को बनाया जाएगा सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, महक अपना सपना पूरा करना चाहेगी। वो बात अलग है कि वो सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनकर भी वो सारे सुख नहीं भोग पाएगी जो एक सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन को मिलते हैं, पर फिर भी वो अपनी जिद को पूरा करेगी। और ऐसे में उसके सामने एक नया मकसद आ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनने का असली अधिकार अगर अब प्रथा के बाद किसी को है तो वो है वो बच्चा जो प्रथा की कोख में है। जी हाँ, प्रथा का होने वाला बच्चा ही बन सकता है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, और उसी को भगवान भोलेनाथ चुनेंगे नाग पंचमी के दिन। और इस बात का खुलासा खुद करेगा फरिश्ता महक के सामने, बताएगा उसको कि आने वाली होने वाली सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन तो धरती पर पहले ही कदम रख चुकी है। और ऐसे में फिर महक अपना नया मकसद तय करेगी, और वो मकसद होगा प्रथा की जिंदगी को और तबाह करके उसके होने वाले बच्चे को उससे छीन लेना, उसको प्रथा की कोख में ही खत्म कर देना। लेकिन दोस्तों, प्रथा अब लेगी माँ चंडी का रूप और महक की जिंदगी को कर देगी वो तबाह। देखना होगा कि आम इंसान बनकर कैसे प्रथा महक से लेगी अपना बदला और कैसे बचाएगी अपने बच्चे को। क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।